धीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ, बस दो दिन का है, वही ताकि बस ये मेरा लास्ट है, सबसे लास्ट ये है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हो तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से, इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम है। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल तो हंसते खेलते थे आप। जो सबसे जरूरी था मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। और दोस्तों, वीडियो जो है आज की होने वाली है नीरज चोपड़ा पर। आप लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज़ के थ्रू या फिर टीवी में, चैनल में, यूट्यूब पे आप लोगों ने कहीं ना कहीं से ज़रूर देखा होगा कि जो है नीरज चोपड़ा पानीपत गाँव का रहने वाला है और उसने क्या है भारत को जो अपना ओलंपिक में अपने गेम के थ्रू जीत हासिल की है और भारत को जो है गोल्ड मेडल दिलाया है। तो इसी खुशी में क्या है, मैं नीरज चोपड़ा को, उसके परिवार वालों को, उसके ग्रामवासियों को और पूरे हरियाणा को, पूरे भारत को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि जो नीरज ने गेम के अंदर जीत हासिल करके भारत का जो है नाम बहुत ऊंचा कर दिया है, गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही जो है खुशी की बात है। दोस्तों, आशा करते हैं कि जो नीरज चोपड़ा है वो आगे भी कहीं ना कहीं जो जब भी ओलंपिक होएगा गेम में पार्टिसिपेट करेगा और आगे भी जो है इसी तरह से भारत को गोल्ड मेडल दिलाता रहेगा, जीतता रहेगा। और भी बहुत सारे जो पदक हैं भारत में आए हैं इस बार, तो ये सब सुन के यार बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि भाई अपना भारत जो है, इंडिया का नाम इतना रोशन हो रहा है, गोल्ड मेडल लेकर आया है जो नीरज चोपड़ा। उसके घर पर जो है बहुत खुशी का माहौल है और सभी ने जो है वहाँ पर एक बड़ी LCD लगाई हुई थी उनके गाँव के अंदर, जिसकी वजह से क्या है उसका वो जो पूरा मैच उनका चल रहा था, वो सभी जो ग्रामवासी थे या जो इधर उधर के मीडिया वाले थे, सभी के सभी गांव के अंदर जो है पहुंचे हुए थे और उन्होंने आखिरी तक जो है मैच देखा। और जैसे अनाउंसमेंट हुई कि जो भारत से नीरज चोपड़ा है उनको फर्स्ट प्राइज दिया जाता है, वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, तो दोस्तों गाँव के अंदर बहुत ही खुशी का माहौल पैदा हो गया और सारे गाँव में मिठाइयाँ बांटी गई। इसकी कुछ वीडियो, कुछ क्लिप्स भी मेरे पास है, वो आपको दिखा देते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बिना मत जाना।